दोस्तों भारत का पहला ग्रामीण 5G ट्रायल यहां पे किया है दोस्तों, गांव के अंदर 5G ट्रायल पहला यहां पे लाइव सक्सेसफुल यहां पे किया, और यहां पे VI वोडाफोन आईडिया ने किया, DoT ने दोस्तों ऑफिशियल यहां पे बता दिया। हमारे गुजरात के एक छोटे से गांव आजोल के अंदर 108 Mbps की दोस्तों 105 Mbps की स्पीड यहां पे अचीव की गई। दोस्तों क्या है ये, किस तरह से दोस्तों काम आने वाला है, गांव-गांव तक 5G कैसे पहुंचेगा, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं एयरटेल जियो VI सब अपने 5G ट्रायल्स यहां पे डन कर रहे हैं। लेकिन बात करें VI की तो दोस्तों VI के बारे में मैं आपको खुद बता चुका हूं। गांधीनगर में जब मैं लास्ट टाइम गया था फ्रेंड्स, मैंने आपको पहली बार बताया था कि गांधीनगर में दोस्तों इन्होंने जो डेमो दिया था, हमारे गुजरात में गांधीनगर और पूना में दोस्तों काम चल रहा है, 4 Gbps की स्पीड अचीव की थी, 4 Gbps जो अब तक किसी भी कंपनी ने अचीव नहीं की। लेकिन अब दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है जहां पे VI ने एक जबरदस्त यहां पे डेवलपमेंट किया, और इस चीज की पुख्ता दोस्तों यहां पे पुष्टि जो है DoT कर रहा है, भारत सरकार यहां पे कर रही है। स्क्रीन पे देख सकते हैं इंडिया फर्स्ट रूलर 5G ट्रायल्स बिगिन एट गुजरात आजोल। आजोल विलेज दोस्तों यहां पे है, गांधीनगर से 17 किलोमीटर दूर है समथिंग, वहां पे दोस्तों यहां पे आजोल विलेज के अंदर यहां पे पहली 5G ट्रायल्स यहां पे डन किए गए हैं। अहमदाबाद दोस्तों न्यूज निकल के आ रही है द कंट्रीज फर्स्ट 5G ट्रायल्स फॉर रूलर ब्रॉडबैंड बिगिंस। गांव में दोस्तों ब्रॉडबैंड सर्विस कैसे पहुंचेगी, एक 5G टावर लगा दिया उससे दोस्तों यहां पे ब्रॉडबैंड सर्विस मिलेगी दूर दूर तक। वो दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे आजोल विलेज जो है दोस्तों वहां पे दी गई है ये ट्रांसीवर, जो BTS एक यहाँ पे नेटवर्क लाया गया था, 17 किलोमीटर दूर था दोस्तों ये गांधीनगर से, गांधीनगर का उन्नाव जो है दोस्तों टाउन उससे ये ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर दूर था, 17 किलोमीटर दूर एक टावर लगाया गया। इस टावर से दोस्तों इतनी खतरनाक स्पीड निकली कि 17 किलोमीटर दूर तक आप समझ सकते हैं, क्योंकि गाँव में किसी को 1-2 Gbps की स्पीड नहीं चाहिए, 100 Mbps की स्पीड अगर मिल जाती, स्टेबल स्पीड लोगों को मिल जाती ब्रॉडबैंड की, तो बहुत अच्छी चीज़ है फाइबर बिछाने की, जो इतनी डायरेक्ट इससे आप काम कर सकेंगे। टीम इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन DoT के दोस्तों यहां पे टीम थी, उसके साथ दोस्तों दो टेलीकॉम कंपनीज वाले थे, इन्होंने दोस्तों आजोल विलेज की मीटिंग करी और वहां पे देखा, वहां पे इन्होंने जो रिकॉर्ड देखा चेक किया दोस्तों, जब स्पीड क्या निकल गई 105.47 यानी ऑलमोस्ट 105 Mbps की डाउनलोड स्पीड निकल गई, अपलोड स्पीड 58.77 ऑलमोस्ट 58 Mbps बोल सकते हैं, डाउनलोड स्पीड 105 Mbps और 58 Mbps अपलोड स्पीड, 17 किलोमीटर दूर था टावर, 17 किलोमीटर दूर दोस्तों। यस ये स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी को दोस्तों यहां पे यूज करते हुए यहां पे क्या है, और ये सारी की सारी चीज आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त दोस्तों यहां पे काम किया। सीनियर DoT ऑफिशियल दोस्तों बता रहे कि टेक्नोलॉजी जो होगी दोस्तों यहां पे 360° वर्चुअल रियलिटी कंटेंट प्लेबैक देगी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं किस तरह के यूज कैसे होंगे दोस्तों। यहां पे अगर बात करें यहां पे एजुकेशन की बात करें तो टीचर यहां पे होगा, किसी भी सुदूर एरिया में दोस्तों स्टूडेंट्स होंगे उनको दोस्तों कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहां बैठे बैठे अगर अमरनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करने हैं तो ये चीजें आप यहां पे 360 VR AR VR पे कर सकें, गेमिंग एक्सपीरियंस दोस्तों आप यहां पे कर सकेंगे। इन सबका लाइव डेमो मैं दे चुका हूं, और वो भी VI की ऑफिस पे जाके लाइव दिखाया था, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। ये सारी चीजें आप दोस्तों 5G के थ्रू आप यहां पे कर सकेंगे। दोस्तों बात की जा रही गुजरात के DoT के LCA दो यहां पे जो है यहां पे DDG यहाँ पे अजत सात्रु सोमानी, उसके साथ साथ दोस्तों रोशन लाल मीना और डायरेक्टर दोस्तों सुमित मिश्रा और विकास ददीची, ये दोस्तों यहाँ पे गए थे। इसके साथ VI के दोस्तों वोडाफोन आइडिया और यहाँ पे नोकिया के कुछ अधिकारी थे, वो लोग दोस्तों 5G ट्रायल्स यहाँ पे इन्होंने देखा। और यहाँ पे बता दूं कि नवंबर 19 के अंदर दोस्तों इन्होंने ये भी चेक किया था कि महात्मा मंदिर जो गांधीनगर के अंदर है, यहाँ पे VI ने जो स्पीड यहाँ पे अचीव की थी 1.5 Gbps की स्पीड दोस्तों अचीव की गई थी, 100 गुना फास्ट है वो, 100 गुना फास्ट, वो भी नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क पे, स्टैंड अलोन पे तो खतरनाक थी, नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क पे 1.5 Gbps की स्पीड अचीव की थी। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर है कि VI दोस्तों बहुत आगे जा रहा है, और यहाँ पे DoT ने इस चीज की पुष्टि कर दी कि पहली बार ग्रामीण विस्तार के अंदर 5G दोस्तों यस 5G टेक्नोलॉजी को थ्रू उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए सस्ता चीप ब्रॉडबैंड सर्विस गांव के सुदूर एरिया में कैसे पहुंचा जाए, जहां पे 105 Mbps की तगड़ी स्पीड 17 किलोमीटर दूर से देखने को मिली। ऐसे कुछ करने की कोशिश दोस्तों यहां पे एयरटेल ने भी की थी दिल्ली के पास में, लेकिन वैसे अभी जो रिजल्ट निकल गए वो चौंकाने वाले, और यहां पे DoT इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सरकार ने दोस्तों इस चीज की पुष्टि की कि ये सही बात यहां पे। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर दोस्तों कि भारत में ग्रामीण विस्तार में 5G की ट्रायल शुरू हो चुके हैं, गांव के अंदर दोस्तों आपको 100-200 Mbps की स्पीड फ्यूचर में आने वाले टाइम में मिलने वाली है, शहरों में तो आप सोच भी नहीं सकते। मुझे पता है दोस्तों आप कितने एक्साइटेड है 5G के लिए, क्या दोस्तों आपके सुझाव हो नीचे कमेंट करके जो बताना फ्रेंड्स, और वीडियो को अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगाओ थम्स अप जो देते हैं, आपके भाई का चैनल है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए शायद दोस्तों के साथ उन्हें डेफिनेट चला गया, पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को अभी दबा दीजिए क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए और हमारे
वीआईपी मेंबर बन जाइए। इसके पास दिखेगा घंटे का बटन, उसको भी जो दबा दीजिए। उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो प्लीज इस घंटे के बटन को जो दबा देना। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करना, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करना, क्योंकि उसको फॉलो करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए वॉच, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।